सर बता दें, अभी जो आपको पता है वो ब्रेक करिए, आपको नहीं जो जानकारी है वो बता दें। मैं क्यों, मैं जस्ट ये बता देता हूँ, छोटा सा जितना मुझे, मैं अपडेट समय समय पर देता रहूंगा। फिलहाल जो घटना है वो ये था कि हम लोगों ने सूचना मिली थी कि कोर्ट के अंदर जो है गोलीबारी हुई है, किसी अभियुक्त की गोली चली है। बाद में जानकारी करने पर अभी जो हमारा संजीव जीवा है उन्हीं पर बताया जा रहा है, और इसमें जो मारने यार प्राइम हटाओ भाई, उसको भी पकड़ा गया है, हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। फिलहाल उससे और जानकारी अबे आज भी तो नीचे करो, सब मुंह हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एक बच्ची को भी गोली लगने की सूचना है और एक सिपाही को भी है, बट दोनों ही ठीक है, उन दोनों का भी ठीक है पोजीशन। बाकी और अपडेट जैसे हॉस्पिटल से आपको जानकारी पूछताछ नहीं, अभी उसकी हालत थोड़ी सी है कि पहले हम ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद जैसे उसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको बताया जाएगा। संजीव जीवा आरोपी कौन थे, कुछ जानकारी मिल पाएगी? आरोपी का नाम अभी तक संजीव जीवा बताया जा रहा है, और इसमें कंफर्मेशन जैसे हम लोगों को मिलता है और डिटेल मिलता है आपको बताएंगे। SC ST कोर्ट में उसकी पेशी है, जिसने गोली मारी है जेल से आया था, नहीं जिसकी गोली मारी है वो अभी हॉस्पिटल में है, ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया, ठीक है। उसको अभी अभी वो जानकारी नहीं है, बट उसको चोट वोट लगी है इसलिए हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब वो पूछताछ में निकलेगा, अभी ज्यादा अपडेट देना मुश्किल है। अभी 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 वो अपडेट नहीं, मैं हॉस्पिटल से कंफर्मेशन के ही दे पाऊंगा। बच्ची, हाँ बच्ची के लिए सेफ बताया जा रहा है, सिपाही के भी सेफ बताया जा रहा है। बाकी जीवा के बारे में अपडेट में हॉस्पिटल से कंफर्मेशन आता है तो आपको कंफर्म करूंगा, वो कंफर्म तभी कर पाऊंगा, अभी मेरे लिए कहना मुश्किल है। जिसने गोली चलाई वो कैसे घायल हुआ वो सब डिटेल आपको डिटेल बाद में पता चलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तक पता चला है कि एक व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई है जिसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको ट्रामा सेंटर भेजा गया है। बाकी डिटेल हम लोग पता कर रहे हैं, अभी बाकी क्लियर नहीं है, अभी कुछ भी डिटेल नहीं है हमारे पास, जब होगा तो हम आपको बता रहा हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।